कोविड की वजह से पिछला दौर काफ़ी भयंकर निकला, भयावह निकला, लेकिन इस दौर में लोगों ने खूब मनमानियाँ की और मौके का फ़ायदा भी उठाया। हम बात कर रहे हैं प्राइवेट अस्पताल संचालकों की, जो फर्जी रूप में आगरा शहर में दर्जनों की संख्या में चल रहे हैं। मेरे साथ में इस समय आगरा के नवागत मुख्य चिकित्सा अधिकारी अरुण श्रीवास्तव सर हैं। सर, तमाम अस्पताल जो हैं आज बिना रजिस्ट्रेशन के आगरा में संचालित हैं, क्या कुछ उस पर कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि उन्होंने COVID-19 के दौर में जो फ़ायदे उठाए, लोगों को ठगा, वो कहीं ना कहीं ठीक नहीं है, मानवता के हित में नहीं। जैसा कि आपने बताया कि आगरा में ये काफ़ी कंप्लेंट्स हम लोग को मिली, करीब 60 के ऊपर, जिसमें कि कोविड के दौरान जो मरीजों का इलाज किया उस पर अस्पतालों ने ज़्यादा धन की उगाही की। उसमें हम लोग ने कार्रवाई करते हुए पैसा वापस भी कराए हैं। लेकिन जहाँ तक पंजीकरण और अपंजीकृत चिकित्सालयों की बात है, कोविड चिकित्सा में मेरे ख्याल से अभी तक हमारे पास कोई अपंजीकृत अस्पताल का कोई शिकायत नहीं आई। लेकिन उसके बावजूद भी जो भी शिकायतें हमें इस आधार पर मिल रही हैं, उसके लिए हमने 4 टीमें बना दी हैं, 4 लोगों को इसीलिए नामित कर दिया है, जिसमें हमने अर्बन के लिए 2 लोगों को और एक रूरल के लिए अलग डेडिकेटेड चिकित्सा अधिकारी को हम नियुक्त करने जा रहे हैं। उनके साथ एक नोडल अफसर रहेगा, जिससे कि इन पे हम व्यापक रूप से और सख्त कार्रवाई कर सकें। इसके साथ अभी जैसे कुछ समाचार पत्रों में मिला था कि ट्रांस यमुना क्षेत्र में कई चिकित्सालय चल रहे हैं ऐसे, तो वहाँ पे भी हमने करीब 31 चिकित्सालयों का भी 2 दिन में निरीक्षण किया है, और जो कमियाँ आ रही हैं उनको हम दूर कर रहे हैं। अपंजीकृत चिकित्सालय कहीं भी मिलता है तो उसको किसी भी तरह की कोई भी रिलैक्सेशन, किसी भी तरह का कोई भी हम लोग ढिलाई नहीं रखेंगे, सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। जनमानस के साथ जीवन, उनके जीवन के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को छोड़ा नहीं जाएगा। जैसे बात आपने कही, जनमानस के साथ में जो भी खिलवाड़ करेगा वो बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन सर COVID-19 के दौर की ही बात कर रहे हैं, कई एक अस्पताल ऐसे थे, चाहे ग्वालियर रोड पर आप ले लीजिए, जगनेर रोड पर आप ले लीजिए, चाहे शहीद नगर रोड पर आप ले लीजिए, शमशाबाद रोड पर, तो उन्होंने न सिलेंडर था, ऑक्सीजन सिलेंडर भी नहीं थे उनके पास में, लेकिन उस समय जो मारामारी थी, कहीं ना कहीं अपने पेशेंट को भी बचाना था, उन लोगों ने जो ठगी की, उन लोगों ने जो अपंजीकृत हैं और उन लोगों ने अस्पताल संचालित किए, कहीं ना कहीं ये स्वास्थ्य विभाग की ढिलाई रही कि पहले से मॉनिटरिंग नहीं हो पाई। देखिए, जो कोविड का जो दूसरी लहर थी उसमें मरीजों की संख्या इतनी अचानक रूप से बढ़ गई थी कि उस समय ये देख पाना कि किस चिकित्सालय में धन की कितनी ज़्यादा उगाही हो रही है या क्या हो रहा है, क्योंकि हमें उस समय तो संक्रमण से जो बहुत गंभीर रोगियों थे उनकी जान बचाना सबसे बड़ी चीज़ थी। लेकिन अगर किसी भी अपंजीकृत चिकित्सालय में किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी गलत काम हुआ है, सीधे आ जाए एक एप्लीकेशन हमें, चाहे मेरा नंबर आप बता दें, एक व्हाट्सएप डाल दें, उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। हमें सबूत और साक्ष्य इकट्ठा करना हमारा काम है। पंजीकृत होने के बाद, चूँकि वो एक्ट के अंतर्गत आता है, उसके जो लीगल वैधानिक कार्रवाई होती है उसका तरीका फिर अलग है, तो वो फिर अलग तरीके से होता है। लेकिन जो अपंजीकृत हैं वो बेसिकली गैर कानूनी हैं और वो IPC धारा के अंतर्गत आते हैं, और जो पंजीकृत होते हैं उनके लिए इंडियन मेडिकल एक्ट लगता है। तो दोनों में कार्रवाई में बहुत अंतर हो जाता है। तो अपंजीकृत चिकित्सालय में अगर किसी भी आदमी का इलाज हुआ है और उसके पास उसका कोई भी साक्ष्य है तो वो मेरे कार्यालय में आकर मुझको दे सकता है, नहीं तो मेरे नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकता है, उसको पूर्णतः संज्ञान में लिया जाएगा। पिछले दौर में एक अस्पताल ऐसा रहा कि उसको सीज कर दिया गया, अपंजीकृत था, लेकिन वो फिर संचालित हो रहा है आज। ऐसे अस्पतालों पर, ऐसे तमाम अस्पताल हैं, ऐसे अस्पतालों पर किस तरीके से नकेल कसी जाए? देखिए, जहाँ तक कि IPC यही कह रहा हूँ, अपंजीकृत चिकित्सालयों का जो चलना है वो बेसिकली एक वैधानिक समस्या है। उसमें स्वास्थ्य विभाग का कोई रूटीन, ऐसा सिस्टम नहीं है कि हम किसी भी क्षेत्र में ये देखते रहें कि वहाँ अस्पताल खुल रहे हैं। ये तो जनमानस को ही अवेयर होना पड़ेगा कि इन चिकित्सालयों में जाने से बचे, और यदि आसपास कोई चिकित्सालय ऐसा कार्य कर रहे हैं तो उसकी सूचना हम तक पहुंचाएं। जहां तक कि सवाल है कि इन चिकित्सालयों में लोग जा क्यों रहे हैं, तो वहां पे
अगर इनकी सुविधा असुविधा कोई भी किसी भी ढंग से मिलती है तो उसकी सूचना नहीं देंगे तो हम लोग के लिए कोई भी ऐसा नेटवर्क नहीं है कि हम जान पाएँ वहाँ चिकित्सालय खुला है। लेकिन नाम बदल करके और जैसा आपने कहा कि दोबारा खुलने की अगर उन सूचनाएँ हमें देंगे तत्परता से कार्रवाई की जाएगी। पिछले दौर में जो भी मुख्य चिकित्सा अधिकारी रहे उनसे लोगों की उम्मीदें जो भी रहीं वो उन उम्मीदों पर शायद खरे नहीं उतर पाए, लेकिन आज अरुण श्रीवास्तव हैं इस सीट पर, क्या माने कि एक तरह से नायक की रूप में काम करेंगे, क्या माने कि स्वास्थ्य की जो एक मौलिक ज़रूरत है उसमें फेरबदल आएगा। मैं दो बातें आपने कही उसमें, पहली बात से मैं पूर्णतः सहमत हूँ। पूर्व मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा कोविड के समय काफ़ी मेहनत के साथ पूरी टीम के साथ लगन से काम किया गया और आपने देखा कि दूसरी लहर में हमारा जनपद काफ़ी असर से बचा रहा। अब रही बात दूसरी की, तो उसमें ये ज़रूर है कि हम अपनी टीम जो परफॉर्मेंस रहा है उससे बेहतर करके दिखाएंगे और अपनी आगरा के जनपद के शहरियों को या जो हमारे इस जनपद में रहने वाले जो भी निवासी हैं उनको किसी भी संक्रमण से बचाए रखेंगे और अन्य कोई भी स्वास्थ्य की समस्या में उनको सुगमता से मिल पाए इसका पूरा प्रबंध करेंगे। शुक्रिया सर, अर्थ न्यूज़ से चर्चा करने। धन्यवाद धन्यवाद। तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी अरुण श्रीवास्तव थे। लोगों की जैसे उम्मीदें होती हैं कोई भी सीट पर जब अधिकारी आता है तो एक नए उत्साह और उमंग के साथ आता है, उम्मीद आगरा जनपद के लोग यही करते हैं कि अरुण श्रीवास्तव जी एक बेहतर परफॉर्मेंस के साथ बेहतर टीम वर्क के साथ में काम करेंगे और जितने भी फर्जी आगरा शहर में जो संचालित हॉस्पिटल हैं उन पर नकेल कसने का काम करेंगे। कैमरे के पीछे आर्यन बघेल, मैं करतार सिंह बघेल, अर्थ न्यूज़।